हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना. आई एम राहुल भुजबल एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वाड्रिलेटरल्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक फिगर. तो ज्योमेट्रिक फिगर की शुरुआत जो होती है वो होती है कर्व से. ये हालांकि इस आपकी क्लास में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट हम थोड़ा पीछे से रेफरेंस लेते हैं ताकि हमें आगे इसको प्रोसीड करने में आसानी मिलेगी. तो शुरुआत करते हैं पहले कर्व से. अब कर्व्स होते क्या है, ठीक है? तो देखिए, आप शीट पे, आप पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, आप शीट पे उसको किसी भी तरह पेंसिल को चलाइए, वो जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स बनेगा वो बनेगा एक कर्व. जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर सपोज मैंने ये बनाया तो दिस इज ऑल्सो अ कर्व. मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, दिस इज ऑल्सो अ कर्व. मैं एक सर्कल बना दूं, दिस इज ऑल्सो अ कर्व. तो बेसिकली किसी भी तरह से हम कोई भी फिगर यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, वो सारे के सारे कर्व्स के अंदर आते हैं. यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व. देखिए, होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हम जो भी चीज स्ट्रेट नहीं होती हम उसको कर्व बोलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स एक स्ट्रेट लाइन भी एक तरह का कर्व ही होता है, ठीक है? तो मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन को भी कर्व कहते हैं. अब होता क्या है कि कर्व, अब आप यहां पर देख रहे हो, मैंने यहां पर फोर कैटेगरीज बनाई कर्व की. ये एक ये बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, एक सर्कल बना दिया, एक ये एट वाला फिगर बना दिया. तो होता क्या है कि कर्व्स की अब आगे जाके दो कैटेगरीज आ जाती है. एक हो जाता है इसमें ओपन कर्व और दूसरा हो जाता है इसके अंदर क्लोज कर्व. तो बात करें एक ओपन कर्व की और एक क्लोज कर्व की. तो पहले मैं आपको ओपन कर्व बताता हूं. देखिए, ओपन कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें हमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों अलग अलग बहुत आराम से विजिबल हो, ठीक है? जिसमें हम इनिशियल पॉइंट को और टर्मिनल पॉइंट को बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर बनाऊं इस तरह का कर्व, तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया. आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास ये, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास ये वाला हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट और ये वाला हो जाएगा इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है? तो इसमें बहुत क्लियरली विजिबल था, ये था हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट और ये था हमारे पास इसका टर्मिनल पॉइंट. तो इस तरह के जो भी कर्व्स होंगे, तो आप देख सकते हो यहां पे एक ये था तो ये भी एक ओपन कर्व हो गया, यहां पे ये था ये भी एक ओपन कर्व हो गया, बिकॉज इसके अंदर भी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है और इसमें भी इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट है. इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोज कर्व्स की, ठीक है? तो क्लोज कर्व्स देखते हैं क्या होते हैं. क्लोज कर्व्स, ठीक है? तो सपोज मैंने यहां पर एक कर्व बनाया, एक ये कर्व बना दिया, एक ये वाला कर्व बना दिया और एक ये वाला कर्व बना दिया. अब आप देख सकते हो इन तीनों ही कर्व्स के अंदर ना तो हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट है और ना ही हमारे पास कोई टर्मिनल पॉइंट है. तो इस तरह के कर्व्स जिसमें ना तो हमें इनिशियल पॉइंट मिल पाता है ना ही हमें इसके अंदर टर्मिनल पॉइंट मिल पाता है, तो इस तरह के कर्व्स को हम कहते हैं क्लोज कर्व्स, ठीक है? बिकॉज इसमें बताना मुश्किल है. मुश्किल क्या, नामुमकिन है, बिकॉज इसमें हमें पता ही नहीं है ये कर्व कहां से शुरू हुआ था और कहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है? अब होता क्या है कि क्लोज कर्व के अंदर भी ना हमारे पास दो सब कैटेगरीज आ जाती है. एक होता है सिंपल क्लोज कर्व और एक होता है नॉर्मली क्लोज कर्व, जो मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल्स दिया. तो मैं बताता हूं क्लोज कर्व्स की दो कैटेगरी कौन सी आती है. क्लोज कर्व्स, ठीक है? तो हमारे पास यहां से इसकी दो कैटेगरी आ जाएगी. जो पहली कैटेगरी होती है वो जाती है सिंपल क्लोज्ड कर्व. उसके बाद वाली जो हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी वो हो जाएगी नॉर्मली क्लोज कर्व, जैसा हमारा रहता है. तो हम नॉर्मल बोल लेते हैं. अब होता क्या है कि जो सिंपल क्लोज कर्व हमारे पास आता है, सिंपल क्लोज कर्व की एक खासियत होती है क्योंकि ये क्लोज कर्व से आया तो ऑब्वियसली ये क्लोज होगा. साथ ही साथ इसमें होगा क्या कि इस फिगर के बीच में जो इसकी साइड्स है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल क्लोज कर्व की बात करूं तो अगर मैं ये जो हमारा बहुत जाना पहचाना फिगर है स्क्वायर, अगर मैं ये बना दूं तो आप देख सकते हो उसके अंदर इसकी जो बाउंड्रीज थी इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा इन द बिटवीन ऑफ द फिगर, ठीक है? तो ये वाला एक सिंपल क्लोज कर्व होगा हमारे पास. उसके बाद
मैं बात करूं अगर सपोज मैं ये जो एक फिगर होता है हम लोग के पास ये एट, अब आप देख सकते हो यहां पे इस फिगर ने इस जगह पे अपने मतलब अब सरफेस के बीच में अपनी बाउंड्रीज से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये वाला हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। इसके बाद अगर और एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज मेरे पास ये सर्कल था, तो आप देख सकते हो उसकी बाउंड्रीज ने भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा बीच में, तो ये वाला भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल क्लोज कर्व होते हैं बेसिकली एक ऐसा क्लोज कर्व जो बीच में अपनी बाउंड्रीज से एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर्व। बाकी नॉर्मल क्लोज कर्व्स तो होता क्या है कि जो क्लोज कर्व्स हैं, क्लोज कर्व के अंदर दोनों कैटेगरी दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, अब नॉर्मल क्लोज कर्व इस तरह का रहेगा, उसके अंदर सिंपल भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। सपोज इसके अंदर सारी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, अगर मैं ये वाला बना दूं तो ये भी नॉर्मल मतलब उसके अंदर आएगा। ठीक है, ये वाला भी इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली क्लोज कर्व्स के अंदर, क्लोज कर्व्स के अंदर दो कैटेगरी बन जाती है हमारे पास, सिंपल और एक नॉर्मल वाला। सिंपल वाले की बस स्पेशलिटी ये होगी कि ये अपनी बाउंड्रीज को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसी सिंपल क्लोज कर्व से आगे आके हमारे पास एक जो एक फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हैं उसे, वो आती है, वो है पॉलीगन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पे जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल जो है वो इसी फैमिली से निकल के आया है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन से शुरुआत मैं करता हूं, उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे क्वाड्रिलेटरल्स पे आएंगे। तो पॉलीगन्स की बात करें तो पॉलीगन भी, पॉलीगन्स होता क्या कि पॉलीगन कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं होता, पॉलीगन एक फैमिली ऑफ, इसके अंदर काफी सारे कर्व्स आते हैं, काफी सारे फिगर्स आते हैं, बट इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व होगा दैट मींस इसके जो कर्व्स होंगे ना तो उनका इनिशियल पॉइंट होगा ना उनका टर्मिनल पॉइंट होगा, और साथ ही साथ उनकी बाउंड्रीज जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको, देन मैं आपको वन बाय वन आगे बताऊंगा इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है हमें। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, अ प्लेन फिगर या फिर हम कभी कभी अ टू डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं, बट आप क्योंकि अभी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन फिगर बोल लेते हैं। सो प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये जो पॉइंट था विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अब जो सिंपल क्लोज कर्व है वो एक सर्कल भी होता है, बट सर्कल की जो बाउंड्री होती है वहां पे स्ट्रेट लाइन कोई नहीं होती। ठीक है, बट पॉलीगन की कंडीशन ये होती है कि एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और साथ ही साथ ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी बाउंड्रीज होगी वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन्स होगी। तो मैं आपको उसकी पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं। अ प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब चाहो तो इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं, क्लोज्ड प्लेन फिगर। वैसे क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पॉलीगन जो होता है सिंपल क्लोज होता है, बट फिर भी हम आपके रेफरेंस के लिए यहां पर लिखता हूं अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। ठीक है, तो अ क्लोज प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लियर, अब यहां पे जो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं जब हम पॉलीगन के उनसे बात करते हैं तो वो पॉलीगन का हमें ये तो बता देते हैं कि ये क्लोज फिगर होगा, बट वो स्ट्रेट लाइन बोलना भूल जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट जो है ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये चीज ये आपके ये आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि पॉलीगन्स, मैंने आपको जैसा बताया, ये पूरी एक फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे कर्व्स आते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर मेरे पास एक पॉलीगन है तो उसमें मिनिमम कितनी नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल हैं? देखिए, अगर एक साइड होगी तो वो फिगर, वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो वो तो मतलब एक क्लोज कर्व वो बन ही नहीं पाएगा। क्लियर, तो पहली बात उसकी तो बात ही खत्म। अगर हमारे पास दो लाइंस भी होती है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये दो लाइंस है इस तरह से, तो क्या ये क्लोज फिगर है? तो क्लोज फिगर जब ये है ही नहीं तो ये क्लोज कर्व भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन की बात ही खत्म। तो ये वाला हमारे पास दो से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा, सबसे पहला जो हमसे हमारे पास पॉसिबल हो सकता है वो पॉसिबल होगा जब सबसे कम साइड से हम एक फिगर, एक क्लोज फिगर बना सकते हैं, वो होता है नंबर ऑफ साइड जिसमें कि थ्री हो, जिसको कि हम जानते हैं किसके नाम से, ट्राइंगल्स के नाम से। क्लियर, तो बात करते हैं पहले नंबर वन। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा, यहां पे होता क्या कि पॉलीगन्स में हम नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा एन से। ठीक है, तो नंबर वन एन इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, अब एन इज इक्वल्स टू थ्री, जब तीन साइड्स होगी तो उसका फिगर हमारे पास किस तरह से बन के आ सकता है, इस तरह से बन के आ जाएगा।
क्लियर। अब आप देख सकते हो ये एक क्लोज कर्व है, साथ ही साथ सिंपल क्लोज कर्व भी है, बिकॉज इसकी बाउंड्रीज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, 3। इस फिगर का जो नाम है, इस फिगर को हम जानते हैं किसके नाम से, ट्राइंगल्स के नाम से। क्लियर। अब आप ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से पढ़ो, आपने ट्राइंगल आज तक बहुत बार सुना होगा, बट शायद आपने इस पर एनालाइज ना करा हो, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल्स को देखो तो यहां पे हमारे पास ये ट्राइंगल वर्ड जो है इसमें दो पार्ट्स आते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक हो गया ये ट्राई वाला पार्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया ये एंगल्स वाला पार्ट। क्लियर। अगर इसको मैं अलग अलग कर दूं तो यहां पे जो हमारे पास जो ट्राई वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3, और एंगल्स आप लोग को पता ही है। सो बेसिकली ट्राइंगल का मतलब हो गया एक ऐसा फिगर जिसमें कि 3 एंगल्स हो, जो कि आप देख सकते हो यहां पे एक एंगल हमारे पास आया ये, एक एंगल हमारे पास आया ये, और एक एंगल हमारे पास आया इस साइड। सो बेसिकली एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 एंगल्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइंगल। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए। क्लियर। सो जो सेकंड फिगर हमारे पास आएगा वो आएगा एन इज इक्वल्स टू 4। अब एन इज इक्वल्स टू 4 जब हमारे पास चार साइड्स होगी और हमें क्लोज फिगर बनाने, तो वो फिगर कुछ इस तरह का बन पाएगा, ठीक है। तो इस फिगर का जो नाम होता है, जो कि हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम इसी फिगर पे बेस्ड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, यही फिगर है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसमें चार साइड्स है तो इसका नाम हमने रख रखा, इसका नाम जो है वो है क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए मैं आपको इसको भी बताता हूं। अब देखिए यहां पर यह वर्ड हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, क्वाड्री प्लस लेटरल्स। क्लियर। क्वाड्री और उसके बाद लेटरल्स। अब आप देखो तो क्वाड्री वर्ड का जो मतलब होता है, क्वाड्री वर्ड का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। तो एक ऐसा फिगर, एक ऐसा सिंपल क्लोज कर जिसमें कि चार साइड्स होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसी वजह से इस फिगर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरह अगर आप आगे प्रोसीड करोगे तो आगे ऐसे पॉलीगन्स की फैमिली बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्ट अगर बात करो तो एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 5 मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें कि हमारे पास 5 साइड्स होगी, ठीक है। तो 5 साइड्स का बनेगा इस तरह से, ये इस वर्ड का मतलब, इस वाले फिगर का नाम होता है पेंटागन। क्लियर। अब आप ध्यान दो अगर, तो पेंटागन भी यहां पे हमारा दो वर्ड से बनके बनता है, पेंटा पेंट और ये आगे का वर्ड, ठीक है। तो यहां पे पेंट का मतलब क्या होता है, 5। तो बेसिकली एक ऐसा फिगर जिसमें कि 5 साइड्स हो, 5 एंगल्स हो, वो हमारा फिगर क्या कहलाएगा, पेंटागन। इन द सेम वे आगे प्रोसीड करेंगे अगर हम लोग, तो हमें एन इज इक्वल टू 6 के लिए हेक्सागन मिलेगा, एन इज इक्वल टू 7 के लिए हेप्टागन मिल जाएगा। क्लियर। तो बात करूं अगर मैं आगे, तो एन इज इक्वल टू 6 के लिए हमें मिल जाता है हेक्सागन। यहां पे भी आप देखो तो यहां पे हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सागन का फिगर आप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद अगर आप एन इज इक्वल टू 7 पे जाओगे तो हेप्टागन मिलेगा, हेप्टागन, और इसको कभी कभी हम लोग सेप्टागन के नाम से भी जानते हैं, कुछ बुक्स में इसको सेप्टागन भी दिया रहता है। तो हेप्ट का मतलब यहां पे होता है 7। इन द सेम वे आप आगे प्रोसीड करोगे तो बहुत सारे ऑक्टागन, बट वहां तक अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वापस आते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर। तो हम लोग को जो स्टडी करनी है, हम लोग को स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक की। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई फिगर आता है, जैसे अभी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था, तो इसके अंदर कुछ डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स आई होप आप लोग को पता हो, डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट वर्टिसेस को मीट करता है। क्लियर। डायगोनल, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट विच joins two opposite vertices. A line segment will join two opposite vertices. For example, अगर आपके पास यहां पे एक फिगर है इस तरह का, तो यहां पे मैंने A करा, B करा, C करा, D कर दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अगर मैं देखूं तो A से C को join करा AC ने, उसके बाद B से D को join कर दिया इस वाली लाइन ने, ठीक है। तो देखो यहां पे जो हमारे पास A था और जो C था, ये ऑपोजिट वर्टेक्स थे, इसको जॉइन करा लाइन सेगमेंट किसने, एसी ने, तो एसी यहां पे एक डायगोनल हो गया।
उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पे हमारे पास एक बी था और डी था, तो बी और डी भी हमारे पास क्या थे, अपोजिट वर्टेक्स थे, क्लियर। तो यहां से बी और डी को ज्वाइन करा लाइन सेगमेंट बी डी ने, तो यहां पे जो हमारे पास ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, क्लियर। अब होता क्या है कि डायगनल्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायगनल्स निकालना इन द सेंस कि किसी फिगर में मैक्सिमम कितने डायगनल्स हो सकते हैं, हमें यह भी तो पता होना चाहिए, क्लियर। तो डायगनल्स निकालने के लिए हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ डायगनल्स इक्वल्स टू एन एन माइनस थ्री अपॉन टू। अब देखो यहां पर जो एन है हमारे पास, ये वाला जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, क्लियर। आपको जिस भी फिगर के लिए निकालना है बस आप इसमें नंबर ऑफ साइड एंटर करो और यहां से आपके पास उस फिगर के लिए नंबर ऑफ डायगनल्स निकल के आ जाएंगे। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे बनाऊं, यहां पे मैंने बनाया एक ट्राइंगल, अब इसमें अपोजिट वर्टेक्स तो होते ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ एडजेसेंट वर्टेक्स है, बिकॉज आप देखो तो इसके अपोजिट कुछ नहीं है, इसके अपोजिट कुछ नहीं है, इसके अपोजिट नहीं है, ये तीनों के तीनों ही क्या है, एडजेसेंट वर्टेसेस। तो दैट मींस यहां पे जो डायगनल पॉसिबल ही नहीं है, दैट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ डायगनल्स जो हमारे पास आने चाहिए वो कितना आना चाहिए, जीरो। अब हम इसको इसी फॉर्मेट से ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइंगल्स के लिए नंबर ऑफ डायगनल्स निकालता तो मैं क्या करता, ट्राइंगल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, थ्री। जरा पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू थी, नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए हमारे पास आना था एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, और यहां पर हमें फाइंड आउट किसने करना है, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए, तो पुट करते हैं थ्री इंटू 3 माइनस थ्री अपॉन टू, मतलब 3 इंटू जीरो अपॉन टू, 3 इंटू जीरो इज जीरो अपॉन टू, दैट मीन जीरो, दैट मीन्स यहां पे हमारे पास डायगनल्स आएगा ही नहीं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। सपोज मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी रहती है, क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास n की वैल्यू होती है 4। तो सब तो ट्राई करते हैं इसमें 4 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा अगर मैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल्स टू 4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 4 माइनस थ्री अपॉन टू, दैट मीन्स 4 इंटू 1 अपॉन टू, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स हमारे पास कितना आया 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई नंबर ऑफ डायगनल्स की वो आई 2, ठीक है। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे एक डायगनल बनाता हूँ, सॉरी डायगनल नहीं, आई मीन एक कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, ये मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो इसमें कितने डायगनल्स आ सकते हैं, एक डायगनल लिया आएगा, एक डायगनल लिया आएगा, और कोई इसके अंदर डायगनल आ ही नहीं सकता। तो बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेटर के अंदर कितने डायगनल्स होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर के अंदर होते हैं 2 डायगनल्स, क्लियर। उसके बाद आगे प्रोसीड करें हम लोग, तो इसके बाद हमारे पास आएंगे कुछ थ्योरम्स। थ्योरम से पहले हमारे पास आते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स आखिर होते कितने टाइप्स के हैं, क्लियर। तो कोऑर्डिनेटर्स पे पहुंच मतलब उसके टाइप्स बताने से पहले मैं आपको चलिए ठीक है, उस टाइप के उस जो कोऑर्डिनेटर्स का टाइप है उसके बाद ही मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। उस फ्लो चार्ट से आपको फायदा ये होगा कि आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी, क्लियर, आप उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर आ गया जिसमें हमारे पास चार साइड्स हैं, हमको उसके डायगनल्स ही पता चल गए। देखिए जिस तरह ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो जो ट्राइंगल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। देखिए हर फिगर का, जितने भी हमारे पास ज्योमेट्रिक क्लोज्ड फिगर्स होते हैं उन सब का एक फिक्स्ड इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, जिसे हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अब हमें यह देखना होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसके एंगल्स का सम कितना आता है, क्लियर। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे कोऑर्डिनेटरल्स का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360। इसके लिए दो मेथड है, पहली चीज तो हमें बुक में, जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी, हम उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। और दूसरी चीज हमको, मैं आपको एक फॉर्मुला बताता हूं छोटा सा, जिससे आप कोऑर्डिनेटरल क्या आप किसी भी फिगर का एंगल सम प्रॉपर्टी पता लगा सकते हो, ठीक है। देखो बताता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। अब होता क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल n माइनस टू इंटू 180 कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको n माइनस टू इंटू 180 कर दोगे तो यहां से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूं आपको याद रहे,
एन माइनस टू इंटू 180। अब देखो यहां पे भी जो n होगा हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ट्राइंगल होता तो उसमें n की वैल्यू कितनी रहती है इस वाले केस के लिए, 3 रहती है। जरा पुट करके देखो, इधर अगर आप इधर लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूं ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पे आप पुट करो तो n की जगह पे आपको कितना पुट करना होगा, 3, दैट मीन्स 3 माइनस 2 इंटू 180, मतलब कि 1 इंटू 180, दैट मीन्स कितना है आपके पास, 180 डिग्रीज आया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कोऑर्डिनेटर्स की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास कितनी साइड्स आएगी, 4 साइड्स आएगी। ठीक है, और n इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे हमारे पास n की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 दैट मीन्स 360 डिग्री। अब तो हमें पता चल गया यहां से कि जो हमारे पास क्या नाम है कोऑर्डिनेटर्स होगा तो उसके अंदर जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का जो उसका सम आएगा, उसकी उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो आएगा 360 डिग्री। क्लियर, अब इसी को हम लोग आगे प्रूव करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करवा देता हूं एक बार, उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पे। क्लियर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम आगे क्या होगा, इससे आगे हम जो पढ़ेंगे सारे सारे के सारे ही कोऑर्डिनेटर्स ही होंगे। क्लियर, तो एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, देन हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पे। क्लियर, सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां पर आपको बताता हूं कैसे प्रूव करते हैं उसको। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ खास नहीं है, इसकी स्टेटमेंट में लिखा होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब कोऑर्डिनेटर्स के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब दूसरी चीज, हमें कोऑर्डिनेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करने से पहले हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है हमारे पास, 180 डिग्री, बिकॉज उसके बिना हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। आई होप वो आप लोग को पता हो, बाकी मैं आपको बता भी रहा हूं ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज। क्लियर, इसे हम प्रूव करते हैं। तो देखिए जब भी प्रूव करते हैं हमारे पास, प्रूव करने के लिए हमारे पास हमेशा 3 से 4 चीज होती है, जैसे कि हमारे पास एक गिवन होगा जो गिवन डेटा हमें दिया होगा। क्लियर, दूसरा होगा टू प्रूफ जिसे हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज कंस्ट्रक्शन, वो डिपेंड करता है, कभी होती भी है और कभी नहीं भी होता, जो हम अपनी तरफ से एक फिगर में कुछ चीज ऐड करते हैं वो होता है कंस्ट्रक्शन। देन इट कम्स द प्रूफ, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है जो हमें प्रूफ करके बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, इनिशियली सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है ABCD। क्लियर, उसमें हमें यह प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना होना चाहिए, 360। तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर है ABCD, इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, अभी मैं सब कुछ आपको लिखवाऊंगा बट यहां पे मैं अभी फिगर बना, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग यहां पे। कंस्ट्रक्शन आप जब भी करें हमेशा कोशिश करें कि आप डॉटेड लाइन से बनाएं उसे। क्लियर, यहां पे मेरे को कुछ एंगल्स चाहिए होंगे तो उस एंगल्स का नाम रख लेते हैं, हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ एंगल्स लिख दे रहा हूं इसके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, ये यह हमारे यहां पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर बन चुका। अब जरा चलते हैं इसके प्रूफ की ओर, इसको प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, हमारे पास आएगा गिवन, गिवन में ज्यादा कुछ खास नहीं हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, उसका रहेगा हमारे पास टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में हमारे पास आना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू
360 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग नहीं लिखते हैं, बट कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहाँ पे हमने करा है तो हमें लिखना होगा कंस्ट्रक्शन। हमने क्या करा, बी और हमने क्या करा, बी और डी को ज्वाइन करा है, ठीक है, तो ज्वाइन बी डी। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, दैट इज प्रूफ, क्लियर। तो देखिए प्रूफ शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास, यहां पे दो क्या नाम है, हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल्स बनते हैं, एक बनता है ट्राइंगल हमारे पास एबीडी और एक बनता है हमारे पास ट्राइंगल बीसीडी। मैं काम करता हूं इस फिगर को नीचे ही बना लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक फिगर ये वाला यहां पे भी बना लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये था हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर। अब देखिए फिगर सामने रहेगा तो हमें तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम बात करें तो हमें यहां पे मेंशन करना पड़ता है कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स की बात करें, क्लियर, क्योंकि हम ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते ना, हमें पता ही नहीं लगेगा कौन से ट्राइंगल की बात है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्राइंगल एबीडी की, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी। अब देखिए ट्राइंगल एबीडी के अंदर हमारे पास तीन एंगल्स आते हैं, कौन कौन से एंगल्स आते हैं हमारे पास, एक आता है एंगल 1, एक आता है एंगल 3 और एक आता है एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग बात करें अगर ट्राइंगल बीसीडी की, सो इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, सेम रीजन, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को करते हैं हम लोग एड, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो देखिए इन रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास इक्वेशन ऐड करने का बहुत सिंपल सा रूल होता है, LHS टू LHS, मतलब कि LHS टू LHS ऐड होता है और RHS टू RHS ऐड होता है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज है, ये वाला पार्ट जो होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ ऐड और ये वाला इसके साथ ऐड। तो आगे प्रोसीड करें इसको, जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, यहां पे आएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे जरा रीअरेंजिंग करते हैं, अगर वापस मैं आपको दिखाना चाहूं एक बार जो हमने फिगर बनाया था वो इस तरह का था, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे 2 और 4 की ग्रुपिंग करेंगे और 3 और 6 की ग्रुपिंग करेंगे, क्लियर, 1 और 5 को हम अलोन छोड़ देते हैं। तो हमें ग्रुपिंग करनी है यहां पे 2 और 4 की और उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है 3 और 6 की, क्लियर, 3 की और 6 की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग का मतलब है बेसिकली उनको एक साथ लिखना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 एंड देन अब हमें 2 और 4 को एक साथ लिखना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 और उसके बाद एंगल 3 और एंगल 6 को एक साथ लिखना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 और इधर कितना हो जाएगा ये 360 डिग्रीज, क्लियर। अब देखो यहां पे अगर आप वापस डायग्राम देखो तो यहां पे एंगल 1 जो था हमारे पास, एंगल 1 की वैल्यू क्या थी, एंगल ए, और एंगल 5 जो था वो हमारे पास क्या था, एंगल सी, क्लियर। तो एंगल 1 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ए, एंगल 5 की जगह पे लिख दूंगा मैं एंगल सी प्लस अब एंगल 2 प्लस एंगल 4, देखो 2 और 4, ये रहा 2 और 4, 2 और 4 को अगर आप ऐड करते हो ये रहा 2 और 4, इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एंगल डी मिलेगा। तो बेसिकली 2 और 4 की जगह पे हम लोग लिख देंगे एंगल डी एंड देन एंगल 3 और एंगल 6, क्लियर। तो एंगल 3 और 6 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा, क्लियर। सो एंगल बी और यहां पे हमें मिल गया 360 डिग्रीज। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर दो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बस यही हमारा प्रूफ था, इससे हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज हो जाता है। क्लियर, ये आपको याद रहना चाहिए 360 डिग्रीज। इसके बाद हमें इंटीरियर एंगल का सम मिल गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर, देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की वैसे कैटेगरी तो काफी अच्छी खासी है, बट ये है कि मैं आपको बताऊंगा इस तरह से कि आपको उसे समझने में आसानी होगी। मैं आपको एक फिगर से आगे आने वाले फिगर्स को डिराइव करना सिखाऊंगा। डिराइव करना मतलब कि अगर मेरे को एक की प्रॉपर्टी पता है तो मैं अगर उसमें से चार फिगर्स और निकल के आ रहे हैं, बेसिकली मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इन सारे फिगर्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करके बता रहा हूं। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है, सपोज हमारे पास एक फिगर था, हमें उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता थी, फिर उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर से ये चार फिगर्स निकल के आते हैं। क्लियर, तो होगा क्या, एक की प्रॉपर्टी पता है, चार निकल के आ रहे हैं, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज भी एक साथ याद हो जाएगी। ठीक है, हमें हर किसी को सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रिलेशन स्टैब्लिश मैं आपको करना बताता हूं। क्लियर, बाद में आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा, तो फ्लो चार्ट से आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा कंपैरिजन करके। क्लियर, तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर, तो पहला टॉपिक मतलब शुरू करते हैं हम यहां से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में जो सबसे पहला फिगर हम बोले कंसिडर करना चाहिए हमें, वो होता है ट्रेपेजियम। क्लियर, ट्रेपेजियम के बाद हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल, एंड देन सो ऑन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो सबसे पहला फिगर जो हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में वो आएगा ट्रेपेजियम। लेट्स स्टार्ट, नंबर वन मैं आपको हर फिगर की पहले डेफिनेशन बताऊंगा, देन मैं आपको उसका फिगर दिखाऊंगा और साइड में उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दूंगा। क्लियर, तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर, तो बात करें यहां पे, ये बनाया मैंने ट्रेपेजियम, देखिए आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस हम उन दो लाइंस को कहते हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, वो स्पेस में जैसी हैं दो लाइंस, उनके बेसिकली इन शॉर्ट अगर दो लाइंस हमारे पास हैं तो उनके बीच में हमारे पास जो भी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है तो ये 4 सेंटीमीटर हमेशा रहेगा। ठीक है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आप इस फिगर में देख सकते हो, यहां पे जैसे मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। अगर आप बात, मैं यहां पे आपको बात करूं एडी साइड और बीसी साइड, आप देख सकते हो तो एडी और बीसी साइड ऑब्वियसली आगे जाके कहीं ना कहीं स्पेस में जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी। बट अगर ए बी और सी डी साइड की मैं बात करूं तो ये दो ऐसी साइड हैं जो एक तो पहली बात एक दूसरे के अपोजिट हैं और साथ ही साथ ये एक दूसरे से पैरेलल भी हैं, दैट मींस ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमारी डेफिनेशन भी यही थी, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, इन विच, इसमें थोड़ा सा एड कर लो आप, इन विच वन पेयर, ठीक है, कम से कम एक पेयर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक पेयर इसका पैरेलल हमें चाहिए ही चाहिए। इन विच वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज पैरेलल, पैरेलल साइड्स इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब होगा क्या, तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ खास नहीं हुई, सिर्फ दो ही साइड्स में पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको लिख देता हूं, यहां पर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी होगी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब होता क्या, ट्रेपेजियम के हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं, एक हो जाता है इसकी पैरेलल साइड्स और एक हो जाती है इसकी नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहां पे जो एडी और बीसी है वो इसकी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल
साइड्स। तो ट्रेपेजियम के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, इनकी लेंथ इक्वल हो जाती है, ठीक है, मतलब जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है वो कभी कभी इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस AD और BC जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होगी, तो हम उस ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आप इसी का एक सब पार्ट कह सकते हो उसको, क्लियर। तो लिख देता हूं मैं इधर, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सपोज आपने यहां पे एक ट्रेपेजियम बनाया, देखिए ये भी एक तरह का ट्रेपेजियम ही होता है, ठीक है। यहां पे क्या है कि यहां पे AB और CD जो है हो गई इसकी पैरेलल साइड्स हो गई, उसके बाद हमारे पास यहां पे AD एंड BC जो है ये हो गई इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, और इसके बाद अगर सपोज यहां पे हमारे पास AD और BC की जो लेंथ है वो इक्वल हो, ठीक है। तो जब नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ जब इक्वल होती है, ठीक है, when length of non parallel sides is equal, it is known as क्या, isosceles trapezium। क्लियर। तो जब नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो हम उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ट्रेपेजियम मैं दोबारा बताता हूं, एक कोऑर्डिनेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, जिसमें एक पेयर साइड का पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स का, उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी, ए बी पैरेलल सी डी बता दिया, और ए डी बी सी जो है नॉन पैरेलल साइड। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम उसे कहेंगे जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ जो हो वो इक्वल हो। उसके बाद हम अपने दूसरे फिगर पे चले, तो हमारा जो सेकंड फिगर आता है हमारे पास वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। बिकॉज अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझ ली, पैरेललोग्राम के फिगर को अच्छे से समझ लिया, तो आगे के इसके अंदर से जितने फिगर आते हैं या फिर वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी चीज, इसका फायदा ये होगा जब एग्जाम में ना कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, होता क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा सपोज कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसे ये प्रूफ करके बताओ, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करो, या फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट कि एक पैरेललोग्राम है, इसे स्क्वायर प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, स्क्वायर है, इसे रोमबस प्रूफ करके दिखाओ। तो बच्चों उसमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है और जिस फिगर पे आपको जाना है, जाने से मेरा मतलब है जिस फिगर को आपको प्रूफ करना है, क्लियर। तो जो फिगर आपको दिया है आपको उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इन द सेम वे जिस फिगर पे आपको जाना है उसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में तब रहती है जब हम सबके बीच में एक रिलेशन डेवलप करके रखते हैं, ठीक है, और उस रिलेशन को डेवलप करने का कहीं ना कहीं एक की रोल जो प्ले करता है, वो प्ले करता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे फिगर की, पैरेललोग्राम, दिस इज आवर सेकंड फिगर। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में होता क्या है कि जैसे ट्रेपेजियम में हमारे पास एक पेयर पैरेलल आता है, इसमें हमारे पास दो पेयर पैरेलल आते हैं, क्लियर। क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, साइड्स कितनी होंगी, चार, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, दैट मींस हमारे पास टू पेयर यहां पे जो आएगा पैरेलल आएगा। इसका फिगर बनाता हूं आपको, अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ए बी पैरेलल सी डी आएगा हमारे पास और ए डी पैरेलल बी सी आएगा, ठीक है। यहां पे अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होगी वो क्या होंगी, पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा और ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। इसके अलावा पैरेललोग्राम की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी होती है जो हम इन फॉर्म ऑफ थ्योरम्स पढ़ेंगे, वो हम बाद में, पहले हम टाइप ऑफ मतलब कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिगर आएगा दूसरा, वो हमारे पास फिगर आता है थर्ड नंबर पे आएगा, रेक्टेंगल हमारे पास, क्लियर। थर्ड वन इज रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्रीज। क्लियर। तो बेसिकली एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कि कम से कम एक वर्टेक्स एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। अब देखो मैंने आपको बोला था रिलेशन डेवलप हो रहा है, पहले हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, पहले सबसे पहले हमने ट्रेपेजियम पढ़ा जिसमें एक पेयर पैरेलल आ रहा था, फिर हम पैरेललोग्राम पे आए जिसमें दो पेयर पैरेलल आए, अब रेक्टेंगल को भी हमने पैरेललोग्राम बोल दिया। तो बच्चों होता है क्या कि अगर जैसे रेक्टेंगल था यहां पे, मैंने इसका इसको क्या बोला शुरुआत कर दी हमने किससे, मतलब शुरुआत हमने कैसे करी इसकी, पैरेललोग्राम बोलते हुए। क्लियर। तो पैरेललोग्राम अगर मैं बोलते हुए इसकी शुरुआत करता हूं तो उसका सिंपल सा मतलब यह है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी रेक्टेंगल सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अब इसमें हमने एक चीज और ऐड करी है, इन विच वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। तो एक वर्टेक्स एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री होगा। क्लियर। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बिकॉज अपोजिट साइड पैरेलल तो होनी ही चाहिए हमारे पैरेललोग्राम की, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और एक इसमें जो एडिशनल क्राइटेरिया हमारे पास आएगा दैट इज वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला क्राइटेरिया जो हमारे पास आया, वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात हम लोग आते हैं किस पे, स्क्वायर पे। सो स्क्वायर, स्क्वायर हमारा फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास फिगर आएगा वो हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर बेसिकली एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही साथ एक वर्टेक्स एंगल इसका 90 डिग्री होता है। बेटर होगा अगर मैं इसको बोलूं कि एक ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल में होता क्या कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर को बोलते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ ऑल साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए। डेफिनेशन किसी भी तरह से बना सकते हैं बच्चों, डेफिनेशन बनाने के बहुत तरीके हैं, आपसे जो उसकी प्रॉपर्टीज है आप उसकी डेफिनेशन में इनपुट कर दीजिए, वो अपने आप उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो मैं लिखता हूं अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एटलीस्ट वन वर्टेक्स एंगल इन विच वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्रीज। क्लियर। इन विच वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर बनाया हमने, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री करा, ऑल साइड्स इसकी इक्वल करी। ठीक है, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ये भी सारी प्रॉपर्टीज उसकी सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर वन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, नंबर टू, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, नंबर थ्री, ऑल साइड्स इक्वल, तो ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स ए डी, एंड देन नंबर फोर्थ, एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास स्क्वायर की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रोम्बस की। बहुत से बच्चे रोमबस में और स्क्वायर में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बता दूं कौन सा पॉइंट कंफ्यूजन का होता है, वो हमें दूर रखना है। ठीक है, रोमबस, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, अ पैरेललोग्राम इन विच All sides are equal. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो, अगर आप देखो तो हमने जो सॉरी जो स्क्वायर की हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन में हमने लिखा था ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एटलीस्ट वन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री।
बट जो हम रोमबस के अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो होता क्या है बच्चों, जब स्क्वायर हम बनाते हैं तो उसमें वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट कंडीशन ये किया जाती है कि उसका एक वर्टेक्स एंगल, कम से कम एक वर्टेक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। बट जब हम रोमबस की बात करते हैं तो रोमबस की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल हो। अब इसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, फिगर देखते हैं इसका। ए बी सी डी ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी, मैं आपको बार बार पैरेलोग्राम लिखने के बाद मैं आपको हर बार साइड्स पैरेलल दिखा रहा हूं, तो आपको आई होप मेरी वीडियो के एंड तक आपको पैरेलोग्राम की तो एटलीस्ट प्रॉपर्टीज लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ए डी पैरेलल बी, ए डी पैरेलल बी सी हो गया, देन थर्ड हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल सी डी इक्वल्स ए डी ऑल साइड्स इक्वल। क्लियर, तो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रोमबस। तो हमारे पास हमारा रेक्टेंगल हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है, रोमबस हो चुका है, अब हमारे पास एक फिगर बचता है काइट। क्लियर, तो काइट की जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन होती है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, फिगर देखें इसका। काइट बच्चों जो फिगर होता है सच में काइट जैसा ही होता है, आई मीन टू से हमने, आप लोगों ने रियल लाइफ में काइट्स के अच्छे खासे एग्जांपल देखे होंगे, एग्जांपल क्या पूरा प्रैक्टिकली करा होगा 15 अगस्त एंड और लाइक मकर संक्रांत वगैरह पे जो भी फेस्टिवल्स हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो काइट तो आप उस फिगर से तो आई थिंक अच्छी तरह से वाकिफ हो, उसमें कुछ ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स तो मुझे आपको उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। क्लियर, तो ए बी सी डी एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है ऐसी साइड्स जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करें। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा डिटेल में, इधर साइड में लिख लेते हैं हम लोग। देखो होगा क्या, मान लो हमारे पास एक, ये हमारे पास एक फिगर आता है। क्लियर, हमारे पास ये वाला फिगर आया, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो, इसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी जो ए की वर्टेक्स को शेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वर्टेक्स की बात करो तो इस वर्टेक्स से हमारे पास दो साइड निकल के आती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो इन्हीं को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर जो कि ए कॉमन वर्टेक्स शेयर करें, फॉर एग्जांपल यहां पे सी को ले लो आप। अब देखो सी वर्टेक्स को शेयर किसने करा, एक इस साइड ने करा और एक इस वाली साइड ने करा, तो एक बीसी ने कर दिया और एक डीसी ने कर दिया, तो एडजेसेंट साइड क्या क्या हो जाएगी, इधर एक हो जाएगा ए बी एंड ए डी, दूसरा हो जाएगा हमारे पास बी सी एंड सी डी। क्लियर, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड्स होती है। आगे देखते हैं, हाँ जी, तो यहां पे हमारी कंडीशन थी कि एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हो सकती है, देखो यहां पे ए से हमारी दो साइड निकलती है, एक ए सी और एक ए डी, तो ये वाली इक्वल होगी। फिर बी से हमारी दो साइड्स निकलती है, कौन कौन सी, एक बी सी और एक बी डी, तो ये वाली इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब क्योंकि ये, अब ध्यान रखना फ्लो फ्लो में कहीं इसको पैरेललोग्राम मत बोल देना, ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर, तो यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज लिखू मैं, वो हो जाएगा ए सी इक्वल्स ए डी, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी बी सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स बता दिए, अब हमारे पास दो काम बच गए। एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूं, वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर उसको अच्छे से आपने अपने दिमाग में नहीं बिठाया तो क्वेश्चन करने में आपको, क्वेश्चन टैकल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो नोट है मैं वो लिखवा देता हूं और इसके बाद एक क्विक रिविजन कर लेंगे हम लोग। इस नोट को बच्चों बहुत ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा प्लीज। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट
नोट्स। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास, अभी हमने देखा मैंने पैरेललोग्राम को पढ़ाया था, क्लियर। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोला, स्क्वायर को भी एक पैरेललोग्राम बोला और रोमबस को भी पैरेललोग्राम बोला। तो बेसिकली तीनों ही फिगर्स क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है, कि अ रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोमबस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। ये तीनों फिगर हमारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं, अब देखो ट्रेपेजियम में हमने बोला था एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम एक पेयर साइड्स का जो होना चाहिए वो अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। जबकि पैरेललोग्राम ये बोलता है कि भाई अगर मेरे को बनाना है तो मेरे लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको अपोजिट साइड्स दोनों ही, मतलब एक ये वाली साइड और एक इधर वाली साइड, दोनों ही साइड्स जो होती है पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम की कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज ट्रेपेजियम कहता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर साइड का पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो क्या हम एक ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिकॉज ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि ट्रेपेजियम के साथ पास सिर्फ एक ही पेयर है जबकि पैरेललोग्राम के पास दो पेयर है। तो देखा जाए तो पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम की कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, तो हम ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम को एक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि ये पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट अ ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, देखो रोमबस कहता है कि मेरे पास सारी साइड्स इक्वल हों, बस उसकी एक ही कंडीशन है, जबकि स्क्वायर दो कंडीशन डालता है। कौन सी कंडीशन, चार साइड इक्वल होनी चाहिए, साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहां पे स्क्वायर रोमबस की कंडीशन को तो फुलफिल कर सकता है, बट रोमबस जो है स्क्वायर की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम स्क्वायर को एक रोमबस बोल सकते हैं बट रोमबस को एक स्क्वायर नहीं बोल सकते। ज्योमेट्री में अभी हम आपको रिलेशन ही डेवलप करवा रहा हूं, जो फिगर जिसकी कंडीशन फुलफिल करेगा हम उसको वो वाला फिगर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे यहां पे स्क्वायर ने रोमबस की कंडीशन फुलफिल करी थी, तो अ स्क्वायर इज अ रोमबस बट अ रोमबस। अब देखो रोमबस में अगर मैं वर्टेक्स को 90 डिग्री कर दूंगा ना तो वो एक स्क्वायर ही बन जाएगा। तो हम ये लिखते हैं मे और मे नॉट भी, भाई हो भी सकता है, अगर 90 डिग्री कर दोगे तो हो जाएगा और 90 डिग्री अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, बट अ रोमबस मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी की, मतलब इसकी फोर्थ नोट की तरफ। तो फोर्थ नोट में आपको लिखवाना चाहूंगा, देखो अब मैं आपको कंपेरिजन करवाता हूं यहां पर रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। देखो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल और एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, जबकि स्क्वायर की जो कंडीशन होती है उसमें बोलता है वो ऑल साइड्स इक्वल। तो रेक्टेंगल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती कि ऑल साइड इक्वल हो, रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बस, ठीक है। तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल की कंडीशन को फुलफिल करा, रेक्टेंगल की मेन कंडीशन क्या थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल को फुलफिल करा बट रेक्टेंगल ने स्क्वायर को फुलफिल नहीं करा। तो हम यहां पे फोर्थ इसका जो पॉइंट लिखते हैं उसका फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। देन कम्स द फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज जो आपको शायद डायग्राम देख के भी पता चल गया होगा, मैंने आपको वहीं पे क्लियर कर दिया था बट फिर भी एक बार बता देता हूं। काइट जो था मैंने बोला था वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम लोग कि अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्लियर। अब बच्चों
आई थिंक एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते चलो इस नोट्स को. नोट्स में हमारा पहला पॉइंट था रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स. ये तीनों ही फिगर्स जो होते हैं पैरेललोग्राम्स होते हैं. अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं बट ट्रेपेजियम को एक पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते. देन अ स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस मे नॉट बी अ स्क्वायर. स्क्वायर तो डेफिनेटली रोम्बस होता है बट रोम्बस कभी कभी स्क्वायर बन भी सकता है और नहीं बन सकता. दैट डिपेंड्स ऑन इट्स एंगल. देन इट कम्स द फोर्थ पॉइंट. अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है बट एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता बिकॉज स्क्वायर की जो कंडीशन होती है ऑल साइड्स इक्वल, वो रेक्टेंगल फुलफिल नहीं कर पाता. और एंड अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम विच इज वेरी क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डायग्राम. उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. मैं आपको फ्लो चार्ट इस तरह का बनाऊंगा जिसमें कि ये पूरा जितना मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ना अब ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा. क्लियर, मैं शुरुआत करूंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई टॉट यू इन द बिगिनिंग ऑफ माई सेशन, दैट वॉज कर्व्स. ठीक है, तो कर्व से शुरुआत करते हुए मैं आपको सीधा कोऑर्डिनेटर्स और इसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स भी लेके आऊंगा. शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहां पे टॉपिक आया था, शुरुआत हमने करी थी कर्व से. ठीक है, कर्व्स के बाद हम लोग आए सिंपल क्लोज कर्व पे. तो यहां पे एक एरो बनाएंगे. इसके बाद हम लोग किस पे आए, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व्स पे हम लोग आए. सिंपल क्लोज कर्व से हम लोग निकल के किस पे आए थे, पॉलीगन्स पे. पॉलीगन्स में हमने कैटेगरी कौन सी उठाई थी, स्पेशली एन इज इक्वल्स टू फोर्थ वाली. एन इज इक्वल्स टू फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से हम लोग निकल के किस पे आए थे, क्वाड्रिलेटरल्स पे. क्वाड्रिलेटरली देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में तीन मेजर कैटेगरी आती है, क्योंकि ट्रेपेजियम वो अपनी तरह का एक फिगर हो गया. फिर एक आती है फैमिली पैरेललोग्राम्स की. ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स में अंदर हमारे पास दो तीन फिगर आ जाते हैं. उसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो कैटेगरी आती है, एक लास्ट जो आती है वो आ जाता है काइट, क्योंकि वो भी अपनी तरह का एक अलग ही फिगर होता है. क्लियर, तो क्वाड्रिलेटरल्स आ गए हमारे पास. क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हमारे पास इसको मैं डिवाइड करता हूं आगे. ठीक है, तो डिवाइड करूंगा इसको. एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज यहां पे स्पेस नहीं है हमारे पास इनफ. ठीक है, तो इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू कर लेते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के बाद हमारे पास एक जो इसकी कैटेगरी डिवाइड होती है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो एक फिगर हमारे पास आ जाता है ट्रेपेजियम. फिर बीच में हमारे पास आ जाता है पैरेललोग्राम. उसके बाद हमारे पास एक जो लास्ट फिगर आता है वो आ जाता है काइट. क्लियर, पैरेललोग्राम्स आगे जाके हमारा तीन पार्ट्स में, मतलब पार्ट्स नहीं कहूंगा, इससे हमारे पास तीन फिगर्स और निकल के आते हैं. कौन कौन सा, पहले हमारे पास निकल के आता है इससे रेक्टेंगल, दूसरा हमारे पास आता है इससे स्क्वायर, एंड थर्ड वन हमारा इससे आता है रोम्बस. ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग. देखिए, सबसे पहले हमारे पास होते हैं कर्व्स. कर्व्स के बाद हमारे पास आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व. देन उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगन्स. उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास अंदर जाके डिवाइड हो जाती है कैटेगरी तीन, मतलब कैटेगरी क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ही है ये, बट मैंने इसकी तीन फैमिलीज बना दी, एक ट्रेपेजियम, एक पैरेललोग्राम. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है एक काइट. पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज, मतलब तीन तरह के पैरेललोग्राम हमारे पास आ गए जो कि पैरेललोग्राम की फैमिली से निकल के आता है, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आपके पास जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एक तो ये वाले इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा. एंड द सेकंड वन जो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट एट द एंड, ये जो फ्लो चार्ट बनवाया है, आप इस फ्लो चार्ट को एक बार देख लो. इस फ्लो चार्ट को आपको देखोगे तो आपको इससे एक फिगर से दूसरे फिगर का रिलेशन पता चल जाएगा और आपको इन सारे फिगर्स को मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके टाइप्स पढ़ लिए, इसके बाद हमारे पास जो आप एनसीईआरटी खोलोगे इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर टॉपिक शुरू होता है वो होता है थ्योरम्स का पार्ट। थ्योरम्स एक्चुअली क्या है कि जो हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा है उसी की प्रॉपर्टीज है। तो थ्योरम हमारी शुरू होती है 8.1 से लेकर 8.8 तक, हमारे पास टोटल 8 थ्योरम्स है। तो अपने नेक्स्ट सेशन में मैं डायरेक्ट थ्योरम से शुरू करूंगा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उस सेशन को देखने से पहले आप इस सारे टॉपिक्स को पढ़ के आइएगा, वरना आपको उस थ्योरम्स में कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहां से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आइए, एंड देन इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द थ्योरम्स। थैंक यू।